नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में अलग महत्व है और ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं और उसे अच्छा भी कर सकते हैं। तो आज जानेंगे हम मूलांक के मुताबिक आपका भविष्य और साथ ही चर्चा करेंगे सरकारी आवास के नंबर पर कि किस नंबर का घर आपके लिए शुभ होगा। लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी का, जो आपकी समस्याओं के समाधान बताएंगे। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मूलांक के मुताबिक आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य। और शुरुआत करेंगे मूलांक एक से। सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए बिजनेस से जुड़ा, पैसों से जुड़ा कोई फायदा होगा। कैरियर में अच्छा खासा बदलाव भी हो सकता है और यह बदलाव आगे के लिए आपके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वह आपके लिए सफल रहेगी, खत्म हो जाएंगी। जो आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा व्यापारिक स्तर, कुछ लोग आपसे अजीब व्यवहार कर सकते हैं। एक बार में आपको बड़ा फायदा हो सकता है, एक बार में कुछ काम आपके हाथ से भी निकल सकते हैं, वरना खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। मूलांक एक के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग रहता है वह भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक दो चंद्रमा का भोले शंभु भोलेनाथ का अंक है। पैसों की कोई चिंता भी खत्म हो सकती है। आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, आपको उम्मीद की किरण नजर आने लगेगी। कुछ चीजें हैं जो आपको धन लाभ भी करवाएगी। आप सबसे पहले अपना पुराना उधार चुकाइए और शारीरिक तथा मानसिक तनाव मुक्त रहिए। जो तनाव है उसको दूर कीजिए। स्वास्थ्य में भरपूर लाभ रहेगा। मूलांक दो के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, लाल जो रंग रहता है वह भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक तीन अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक, जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पैसा कमाने के कुछ नए अवसर अचानक मिलेंगे। इससे आने वाले दिनों में आपको भरपूर फायदा भी रहेगा। आपने अपने कामकाज में ईमानदारी रखेगा, फायदा होगा। मकान या नए वाहन से भरपूर फायदा और इस चीज को आगे तक बरकरार रखिए। मूलांक तीन के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, ब्राउन कलर भूरा जो रंग रहता है वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपको। तो मूलांक से जुड़ी हुई और भी खास जानकारी आपको पंडित जी देंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्तौड़गढ़ से सोहनलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहनलाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप, अपनी पहले डिटेल्स दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बिजनेस के बारे में पूछना चाह रहा था सर, कि मेरा बिजनेस सही सेट नहीं हो पाया। जी सोहनलाल जी, 31 अगस्त 1966, 31, 3 और 1, 4 का अंक राहु का पितृदोष का अंक माना जाता है। सोहनलाल जी, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको भरपूर सफलता मिलेगी। अन्य अगर आपने कोई कार्य साझेदारी में किया है तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप कोई फर्म बनाते हैं तो महिला प्रधान नाम से अगर फर्म बनाए तो उसमें आपको भरपूर लाभ रहेगा। चलित का 2018 कैलेंडर वर्ष आपके लिए उतना लाभदायक नहीं था। 19 फरवरी 2019 के बाद आपको अपने काम में लाभ रहेगा। किसी महिला शक्ति को साथ में जोड़ते हैं तो भी आपको कारोबार में लाभ रहेगा। देवी पूजा, देवी अनुष्ठान करवाना आपके कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और अगली कॉलर इस वक्त हमारे साथ जयपुर से आशा जुड़ी हुई है। आशा, बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती है आप, अपना प्रश्न कर सकती है पंडित जी से। मैडम, मैं मेरे बेटे के लिए बात करना चाहती हूँ। जी बताइए, सवाल करिए। हाँ, मेरे बेटे का एक तो वो है 1190 जन्म है उसका जी, और 3:45 है दोपहर का जी, और जयपुर का है। और उसकी क्या सर शादी का पूछना है कि शादी कब होगी उसका, उसका काम कैसा चलेगा। अगर आपके पुत्र की विवाह के बारे में बात करें, 1 जनवरी 1990 इनका जन्म की तारीख, 1 मूलांक और 3 भाग्यांक। अगला जो कैलेंडर वर्ष रहेगा 2019, उसका टोटल भी 3 है, आपके पुत्र का भाग्यांक भी 3 है। तो 19 फरवरी 2019 के बाद विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, रिश्ता भी अपने आप में बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। और 2019 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो अंत के महीने रहेंगे उनमें विवाह भी हो जाएगा।
विवाह में एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट आप चूज करें वह अगर इनके अंकों का 1, 3, 6 और 9 अगर उन लड़की की जन्म तारीख हो तो वह इनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी और शादी के बाद भाग्योदय और प्रबल रहेगा। भगवान कृष्ण की पूजा करना, लक्ष्मीनाथ की पूजा करना लाभदायक रहेगा। और अगली कॉलर भी जयपुर से ही ज्योति हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योति बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में आप जानना चाहती हैं, प्रश्न कर सकती हैं पंडित जी से? जी मैं मेरे हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनका नाम अक्षय है, मैं उनके करियर वाइज जानना चाहती हूँ, मतलब कहीं सेट नहीं हो पा रहा है, शादी को बहुत साल हो गए हैं, बच्ची भी है, पर कहीं ना कहीं वो सेट नहीं हो पा रहे हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं फिर भी। अगर एजुकेशन और शिक्षा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चलित में जो समय है 2018 वो चंद्रमा का, वो उतना अच्छा नहीं है, चीज़ें भी खराब रही होंगी। 18 भी क्या, 17 भी उतना अच्छा नहीं था। 28 अप्रैल 2019 के बाद जो गुरु की महादशा आपके पति के लिए रहेगी वो लाभदायक सिद्ध होगी। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक या सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में अगर दूध चढ़ाएं या श्रद्धानुसार कुछ भी चढ़ाते हैं तो उनके कैरियर के लिए पर्सनल जो समस्याएं हैं वह उनकी खत्म हो जाएंगी, कैरियर के लिए लाभदायक रहेगा। और जो घर में उम्र में बड़े हैं उनके पैर छू के अगर अपना कोई कार्य करे, पितरों का पूरा आशीर्वाद ले तो इनके लिए वह चीज़ें भी लाभदायक सिद्ध होंगी। और अगले कॉलर भगवान सहाय इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवान सहाय बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या प्रश्न है आपका, सवाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं जानना चाह रहा था कि सन 2019 की साल मेरी जो सरकारी क्षेत्र के अंदर में तैयारी करना नौकरी की, तो उसमें किस प्रकार से लाभदायक होगी और किस प्रकार मेरी आगे की तैयारी करना चाहता हूँ जिसमें मेरे को सफलता मिलेगी। भगवान साय जी, 20 जून 1986 आपका भाग्यांक है 5, मूलांक 2, अगला कैलेंडर वर्ष 3 के अंक का रहेगा और बुध और गुरु की युति बहुत अच्छी रहती है। आप 5 वाले, अगला कैलेंडर वर्ष 3 वाला भरपूर लाभदायक रहेगा, आपको अपने एग्जाम के अंदर परीक्षाओं के अंदर सफलता भी मिलेगी। विशेष रूप से ध्यान रखें भगवान श्री गणेश की जैसी पूजा अर्चना कर सकते हैं, चाहे आप गणेश मंदिर जाइए या घर के अंदर ही भगवान गणेश की मूर्ति के अगर इत्र भी लगाते हैं, गणेश जी के नाम से कोई दान पुण्य भी करते हैं हरे रंग का, तो वह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। मेहनत में कमी मत रखिएगा, किस्मत 2019 में आपके ऊपर भरपूर मेहरबान रहेगी। तो अगर आपका भी कोई सवाल है और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और सीधे पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। और अब आइए सरकारी आवास के नंबर पर चर्चा करते हैं। तो सरकारी घर के लिए कौन सा नंबर शुभ होता है और इसके अलावा कौन सा शुभ नहीं होता है, और कौन सा नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, कौन सा नंबर का घर आपके लिए शुभ नहीं होगा, और 13 नंबर का बंगला हमेशा विवादित रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। दर्शकों, सरकारें चेंज हो चुकी है, आईएएस अधिकारियों के तबादले होने हैं, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल मिलने हैं, सभी व्यक्ति विशेष चिंता सताती है कौन सा सरकारी बंगला हमारे लिए लेना शुभ रहता है। तो सरकारी बंगले के अगर संदर्भ में बात की जाए कौन सा नंबर शुभ होता है, तो 1, 2, 3, 6 और 9 ये जो अंक रहते हैं ये सरकारी आवास के लिए सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। इन आवास में रहना व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक रहता है। इन आवास में रहने वाले व्यक्तियों का गुरु रहता है, चंद्रमा रहता है, बुध रहता है, वह उच्च का रहता है, तो विवाद नहीं होते, कार्यकाल मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ इनका बना रहता है। नहीं लेने के अगर संदर्भ में बात की जाए तो जो मूलांक 8 रहता है और मूलांक 4, ये दोनों ही अंक शनि और राहु के विवादित अंक माने जाते हैं। 8 और 4 के नंबर के बंगले में अगर कोई व्यक्ति 8 और 4 वाला है वह तो लाभ कमाएगा, अन्य मूलांक वालों को समस्या रहेंगी। तो जो सरकारी अधिकारी या जो नेतागण जिनकी जन्म तारीख 4 या 8 नहीं है उन्हें 4 और 8 के बंगले में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा फिर विवाद या कोई कलेश का माहौल बन सकता है। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि कौन सा नंबर का घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन मंत्रियों के लिए कौन सा नंबर का कमरा कह सकते हैं कि शुभ रहता है और कौन सा कमरा नंबर को उन्हें अवॉइड करना चाहिए? दर्शकों, कमरा नंबर की अगर बात करें, जिस कमरे के अंत में 4 या 8 का अंक रहे वह नहीं लेना चाहिए। 3, 6 और 9 ये जो अंक रहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो 3, 6, 9 अंक जो रहते हैं उनको सदैव धारण करना चाहिए। जितना हो सके 3, 6, 9 के कमरों में गुरु भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर अगर कोई अधिकारी गण अगर रूम में लगाता है तो वह रूम उसके लिए और भी लाभ रहेगा। उस रूम के बाद जब उसका ट्रांसफर रहेगा तो पदोन्नति के साथ, मान सम्मान के साथ वह एक जगह पे पहुंचेगा। लेकिन अगर विपरीत नंबर का कमरा या फिर हमने होटल ले लिया है, घर ले लिया है, तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? दर्शकों, बहुत बार देखा जाता है विपरीत अंकों के अंदर जो ऑलरेडी रह रहे हैं वह क्या करें। जिस व्यक्ति विशेष के मूलांक
या चलित के अंकों के खिलाफ उसको रूम मिल चुका है, अब क्या करें। तो किसी भी रूम की जो वास्तुकला रहती है या जो अंकों का प्रभाव रहता है उसको खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण की फोटो या मूर्ति स्थापित करें जिसमें भी कृष्ण का जो काला स्वरूप रहता है, जैसे नाथद्वारा के द्वारकाधीश रहते हैं ठाकुर जी, उनकी फोटो लगाना लाभदायक रहता है। भगवान श्री गणेश की मूर्ति जो अपने रूम की टेबल में कहीं भी रख सकते हैं वह रखना लाभदायक, और वह व्यक्ति विशेष वह अधिकारी अपने पूर्वज जो दुनिया में नहीं रहे उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अगर अपने रूम में रखे जो भी अधिकारी या मंत्रीगण भी है तो उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। अक्सर देखा जाता है 13 नंबर का जो बंगला रहता है राजस्थान सरकार के अंदर, वह बंगले में रहने वाला मंत्री हमेशा विवादित रहता है, क्योंकि 13 का जो अंक रहता है वह 1 और 3 सूर्य और गुरु ने मिलकर राहु का निर्माण किया। राहु सूर्य को भी खराब करता है और गुरु को भी खराब करता है। सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रतीक, तो इस नंबर में इस बंगले में रहने वाले व्यक्ति का सूर्य मतलब इज्जत भी खराब रहेगी, और 3 का अंक गुरु का वह अपने आप में उसका जो विवेक है, जो उसकी बुद्धि है, जो वाणी है, चरित्र है, उसके ऊपर भी हनन रहेगा। इसलिए 13 नंबर के बंगले में रहने वाला व्यक्ति जब तक पितृ दोष का अनुष्ठान नहीं करवाता, भैरव अनुष्ठान उस बंगले में नहीं होता, तो उस बंगले में रहने वाले व्यक्ति हमेशा विवादित रहे और जो नया भी आएगा वह भी विवादित रहेगा। तो आगे आपको इससे जुड़ी हुई और भी अहम जानकारियां देंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं मूलांक 1, 2, 3 की। दर्शकों, अभी बात की हमने मूलांक 1, 2, 3 की, अब बात करते हैं 4, 5 और 6 की। मूलांक 4 सामाजिक दायरे में बहुत सक्रिय और सफल भी हो सकते हैं। दोस्त आपका साथ निभाएंगे, कुछ दोस्त गुप्त रूप से भी आपकी मदद कर सकते हैं, नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। छात्रवर्ग अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हैं, यह बदलाव लाभदायक भी सिद्ध होगा। मूलांक 4 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, नारंगी जो रंग रहता है दर्शकों वह बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है, इन दिनों में अचानक बदलाव के योग हैं, रोजमर्रा के काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत ठीक है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत के मामलों में थोड़ा संभल कर रहें, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, वाणी नुकसान दिला सकती है। मूलांक 5 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, सफ़ेद जो रंग रहता है खान पान के अंदर, कपड़ों के अंदर, इंटीरियर के अंदर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, किसी से ज़्यादा उम्मीद न करें, जो मिल रहा है वह आपके लिए अच्छा है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति पूर्ण रूप से सावधान रहें, लापरवाही नुकसान दिला सकती है। नौकरी या व्यापार से जुड़े जो जरूरी कागजी कामकाज है उनमें सावधानी रखिए, अन्यथा धोखा हो सकता है, आपको जमीन से भी भरपूर फायदा रहेगा। मूलांक 6 के लिए शुभ रंग की हम बात करें, काला जो रंग है दर्शकों कपड़ों के अंदर बहुत लाभदायक रहेगा, अगर कोई विशेष काम है तो काले रंग के कपड़े जरूर पहने। तो मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे। आपको मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में तो बता दिया था, और चलिए अब बारी आती है मूलांक 7, 8, 9 के बारे में। जी दर्शकों, मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक है, मानसिक तनाव हो सकता है, कहीं सुनी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, लेन देन में पूर्ण रूप से सावधानी रखें, नए लोगों और तकनीक से सावधान रहें, लोहे से नुकसान हो सकता है, चोट भी आ सकती है, किसी अनचाहे विवाद में फंस सकते हैं, थोड़ी बेचैनी और सुस्ती महसूस होगी, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। मूलांक 7 के लिए अगर शुभ रंग की बात करें, लाल जो रंग रहता है खूनी जो लाल रंग वह लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 8 शनि का 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए किस्मत के प्रभाव से जो भी होगा आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा, धन के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इनकम आर्थिक मामलों में आपको अच्छी स्थिति बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन पारिवारिक जीवन में बहुत खुशहाली मिलेगी, सफलता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, बिजनेस में आपको हर तरफ से सहायता मिल सकती है। मूलांक 8 के लिए अगर शुभ रंग की हम बात करें, काला जो रंग रहता है दर्शकों अगर इंटीरियर करवा रहे हैं तो उसमें आपके लिए लाभदायक, वाहन खरीद रहे हैं तो काले रंग का वाहन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है, मंगलमुखी सदा सुखी, आप अपनी सेहत को लेकर सावधान रहें, आप कोई भी नया काम करने से बचिएगा, नौकरी में काम ज़्यादा होने से आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती है, लोगों को प्रभावित करने में भी आपको सफलता मिल सकती है,
क्योंकि धार्मिक कामों में मन लगेगा, इसलिए जितना ज़्यादा दान पुण्य कर सकते हैं वह कीजिए। घर की महिला शक्ति के साथ अगर दान पुण्य करें तो वह भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 के लिए शुभ रंग की अगर बात करें, जो पीला जो रंग रहता है वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर इस वक्त झालावाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश उपाध्याय। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप, प्रश्न कर सकते हैं पंडित जी से। बच्चे विशाल नाम है, 15 अगस्त 1990 उसकी जन्मतिथि है, उसका विवाह और बिजनेस जी। 15 अगस्त 1990, पहले अगर बात करें विवाह पे, 15 तारीख 1 और 5 6 का अंक शुक्र का, जो अपने आप में सफल वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है, और 6 का अंक शुक्र गुरु जो चलित में अगला कैलेंडर वर्ष रहेगा 2019 उसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो 28 अप्रैल 2019 के बाद विवाह के प्रबल योग बनेंगे, विवाह भी हो जाएगा, और जो जन्म तारीख रहेगी लड़की की वह 1, 3, 6 और 9 के अंक में रखना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और बात करें व्यापार की, तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जब समय अच्छा रहता है तो विवाह में भी सफलता मिलती है और कारोबार व्यापार के अंदर भी मिलती है। क्योंकि 6 का अंक है होटल मैनेजमेंट, डिजाइनिंग का जो फील्ड है, आर्ट एंड कल्चर का जो फील्ड है, फैशन या मॉडलिंग या जो फिल्म लाइन या मीडिया से जुड़ा हुआ अगर कोई काम अगर आप अपने पुत्र को करवाते हैं तो उसमें भी इसको भरपूर सफलता मिल जाएगी। और अगली कॉलर कंचन राठौर इस वक्त हमारे साथ अजमेर से जुड़ी हुई हैं। कंचन, बहुत स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है आपका, सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। कंचन, आवाज मिल रही है आपको जी, प्रश्न कर सकती हैं आप पंडित जी से। कंचन, क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, आवाज लगता है इनकी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, झुंझुनू से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार पंडित जी, बेटी की डेट ऑफ बर्थ 22 जनवरी 1993 है जी। उसकी शादी कब तक होगी और उसकी सरकारी नौकरी का जो वो पढ़ाई कर रही है सरकारी नौकरी के लिए कब तक है? 22 तारीख 2 और 2 4 का अंक राहु का पितृ कृपा का या पितृ दोष का भी माना जाता है, क्योंकि 22 दो चंद्रमा ने मिलके राहु का निर्माण किया, ये पितृ कृपा का अंक माना जाता है। एक तो जो घर के पूर्वज दुनिया में नहीं रहे उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो अपने रूम में लगाना, या उनके जो श्राद्ध या पुण्यतिथि या जो बरसी का दिन रहता है अगर गुड़िया के हाथ से दान पुण्य करवाएं तो उसके जो चलित में जो खराब ग्रह चल रहे वह भी पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। और बात करें विवाह की, तो 2019 और 20, चूंकि ये 4 के अंक वाली है, 2020 जो कैलेंडर वर्ष रहेगा 2020 वह 4 के अंक का रहेगा, तो 19 में रिश्ता होने के प्रबल योग है, और 2020 के जनवरी या फरवरी में अगर आप विवाह करें तो वह इसके लिए लाभदायक रहेगा। कुंडली कैलकुलेशन नंबर बहुत अच्छे हैं, एक सफल वैवाहिक जीवन और एक सफल कैरियर आपको अपनी गुड़िया का देखने को मिलेगा, मेहनत में बिल्कुल भी कमी न रखें। और चूरू से इस वक्त अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पुष्पा। पुष्पा, बहुत स्वागत है आपका, पहले अपनी डिटेल्स दीजिए और उसके बाद प्रश्न कर सकती हैं आप। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। मेरे बेटे की डिटेल है 1 अप्रैल 1980 जी, और उसके नौकरी में उठा पटक चल रही है और वो बहुत डिस्टर्ब रहता है। पुष्पा जी, आपके पुत्र के 1 अप्रैल 1980 एक कांक सूर्य का, सूर्य अपने आप में गर्म ग्रह माना जाता है, इस व्यक्ति के इस नंबर वाले व्यक्ति सदैव गुस्से में ज़्यादा रहते हैं, एग्रेसिव नेचर ज़्यादा रहता है, और जो व्यक्ति एग्रेसिव रहता है तो गुस्से में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठता है। सूर्य प्रधान व्यक्तियों को भगवान शिव की भोले शंभू भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में अगर पंचामृत का अभिषेक करें एक बार तो वह लाभदायक रहेगा, और बाकी सोमवार को दूध चढ़ाएंगे तो शांति भी रहेगी। चांदी का कड़ा या चांदी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर धारण करते हैं, चांदी की गिलास में पानी भी पीते हैं, तो इनका चंद्रमा उच्च का रहेगा तो सूर्य ठंडा रहेगा तो मन में शांति रहेगी। तो जो व्यक्ति पीस ऑफ माइंड के साथ अगर किसी व्यक्ति विशेष से अपने काम की, एजुकेशन की या जॉब की बात करता है तो उसको उस चीज़ में सफलता भी मिलती है। चांदी का भरपूर यूज करें और शिव पूजा करें। अगले कॉलर झुंझुनू से अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, प्रश्न कर सकते हैं जी। मैम, झुंझुनू में मेरा मकान है एक, मैं उसके बारे में पूछना चाहता था, जो नानी जी के नाम से है जी, तो उसके अंदर उर्दू सेम आ रही है काफी। हेलो जी, जी कहिए जी। पूरे मकान के अंदर सीलन आ रही है चारों तरफ, उसका कोई उपाय बताइए गुरुजी।
देखिए वास्तु कला से और कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, सील का ज्योतिषीय कोई रीज़न नहीं होता, तो आप जो एक्सपर्ट रहते हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनसे जुड़िए तो वो आपको लाभ दिला पाएंगे। ये ज्योतिषीय कारण नहीं है, एक सांसारिक कारण है जो आप सांसारिक तरीके से इसको कर सकते हैं खत्म। और जयपुर से अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हंसराज शर्मा। हंसराज बहुत स्वागत है आपका, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, डिटेल्स देकर प्रश्न कर सकते हैं आप। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, उसका नाम अनुराग शर्मा है जी, डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई 1993 है जी, इसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। हंसराज जी आपके पुत्र के 25 जुलाई 1993 में 25, 2 और 5, 7 का अंक, जुलाई का महीना भी 7 का, तो ये जो 7 का अंक केतु का रहता है ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी का फील्ड है, कंप्यूटर साइंस का जो फील्ड है उसके लिए बेस्ट माना जाता है, मेडिकल साइंस के लिए बेस्ट माना जाता है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आप अपने बेटे को डालते हैं तो उसमें इसको विशेष सफलता मिलेगी। और केतु प्रधान व्यक्ति हमेशा आउट ऑफ इंडिया या जन्म स्थान से दूर जाकर अपना कैरियर बनाते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। चलित में समय बहुत अच्छा चल रहा है, एजुकेशन में ध्यान दीजिए, अन्य किसी भी चीज़ में ध्यान देना इसके कैरियर के लिए नुकसानदायक रहेगा। हाँ, हरे रंग का जो पन्ना रहता है स्टोन, वह गोल्ड में सबसे छोटी वाली चटुली जो उंगली रहती है उसमें पहनाना इसके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी समस्या रहेगी तो वह इसको नुकसान नहीं देगी। और बहरोड से संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप, डेट ऑफ बर्थ बताइए उसके बाद प्रश्न कर सकते हैं आप। 18/9 जी बोलिए। 18 सितंबर 1969 जी, क्या जानना चाहते हैं आप, प्रश्न करिए अपना। मैं एक तो अपने व्यापार के लिए एक शादी चाहिए जी। 18 तारीख 1 और 8 अपने आप में मांगलिक है, पूर्ण मांग लेंगे, जिस व्यक्ति विशेष का मंगल उच्च का होता है उसको विवाह में बाधा आती ही आती है, इसलिए आप मंगल का उपचार किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बिठाकर आप मंगल की शांति का उपचार करवाइए तो उससे विवाह के योग भी बन जाएंगे, 2019 आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन अगर मंगल शांति नहीं करवाते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, चलित में समय अच्छा होने के बावजूद भी विवाह नहीं हो पाएगा, तो किसी विद्वान ब्राह्मण के सानिध्य में मंगल की शांति की पूजा स्वयं बैठ के करवाइएगा, ऑनलाइन या वैसी चीज़ों में मत जाइए, अपनी आंखों के सामने जो भी पूजा पाठ बजरंग बली के लिए अगर आप खुद भी करते हैं किसी ब्राह्मण से भी करवाते हैं तो वह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो। पंडित जी लगातार हम सरकारी आवास से जुड़ी हुई जानकारियां दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन कई सरकारी आवास ऐसे होते हैं जहां पर पहले से ही भगवान की प्रतिमा या तो स्थापित होती है या फिर फोटो लगी होती है, तो वहां क्या करना चाहिए? दर्शकों अक्सर मंत्रियों में अधिकारियों में देखा जाता है जब वो नए रूम या नए बंगले में शिफ्ट होते हैं तो पहले से वहाँ भगवान की विधि विधि मूर्तियाँ या तस्वीरें कुछ लगी रहती है, और कुछ लोग अपने पितरों की फ़ोटो भी पुराने मंत्री या पुराने अधिकारी लगा के रख जाते हैं जो लेके नहीं जाते। तो जिस व्यक्ति विशेष अधिकारी या मंत्री को ये लगे कि यह फ़ोटो या तस्वीर मैं नहीं रखना चाहता, मेरी आत्मा के मुताबिक सही नहीं है, तो वह सभी फ़ोटो कोई भी देवी के मंदिर में, दुर्गा का हो चाहे काली का हो चाहे अम्बे का हो, उस देवी के मंदिर में वह तस्वीर या फ़ोटो या मूर्ति आप मंगलवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन आप चढ़ा दीजिए, और फिर अपने अनुसार अपने नए रूम में नए बंगले में विधिवत जो भी आपको सही लगे आप मूर्ति या प्रतिमा फ़ोटो स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप ऐसे कहीं फेंक देंगे तो आप पाप के भागीदार रहेंगे, कोई कष्ट या अनचाहा विवाद आपके सामने आ सकता है। लेकिन पंडित जी 4 और 8 नंबर के जो बंगले होते हैं इनको लेना कितना शुभ माना जाए? दर्शकों 4 के अंक की अगर बात करें, 4 का अंक पितृदोष का, पितृकृपा का अंक माना जाता है, राहु का अंक माना जाता है। जिन व्यक्ति विशेष को राहु की दशा चल रही है, जिनकी स्वयं के जन्म की तारीख 1/10/1928 या 4/13/22/31 हो, वह अगर 4 के अंक के बंगले में रहे तो उनके लिए भरपूर लाभदायक सिद्ध होगा। अन्य मूलांक वाले व्यक्ति अगर 4 के अंक के बंगले में रहते तो राहु का अंक है, राहु हमेशा कष्ट का, समस्याओं का प्रतीक माना जाता है, समस्याएँ बढ़ती जाती है। बात करें 8 नंबर के बंगले की तो 8 का अंक जो बंगला रहता है वह अपने आप में उठा पटक का, नुकसान का माना जाता है। जो व्यक्ति विशेष 8 के अंक में रहता है उसका कार्यकाल कह दो, चाहे उसका जनता से पब्लिक डीलिंग का जो काम है उसमें विवाद रहता है, उसके जो आला कमान है या उससे जो नीचे के जो मंत्री अधिकारी गण है वह उससे कभी भी खुश नहीं रहते, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसको अपना जो क्रेडिट है वह 0 मिलता है, इसलिए 8 के अंक वाले व्यक्ति विशेष को अपने बंगले में बजरंग बली की, हनुमान जी की जितनी पूजा अर्चना हो सके करनी चाहिए। लेकिन पंडित जी ये कहा जाता है कि कोई भी काम जो है तब सफल होता है जब वो शुभ मुहूर्त में किया जाए, तो इसके लिए अगर हमें सरकारी आवास में प्रवेश करना है तो कौन सा तारीख और कौन सा दिन शुभ माना जाए? दर्शकों मुहूर्त बहुत मायने रखता है,
एक अच्छा मुहूर्त आपके कैरियर को उत्थान पे दिला सकता है और एक गलत मुहूर्त में आप बने बनाए बड़े पद को भी गवा सकते हैं। ज्योतिष के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ आपकी जन्म तारीख कुछ भी हो, आप किसी भी जन्म तारीख या जन्म समय में आपका जन्म क्यों न हो, लेकिन जो 3, 6 और 9 के जो अंक रहते हैं वो सदैव सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। आपकी कोई भी तारीख हो, लेकिन आप 3 तारीख 12 तारीख 21 तारीख और 30 6, 15 और 24, 9, 18 और 27 3, 6 और 9 की जो युति की जो तारीखें रहती है उसमें अगर गृह प्रवेश करते हैं, बंगले में प्रवेश करते हैं, अपना जो आपका रूम है सरकारी बंगला हो चाहे सरकारी कमरा, उसमें जो ज्वाइनिंग रहती है अगर इन तारीख को करेंगे तो आपका कार्यकाल मान सम्मान पूर्वक रहेगा, आपका पदोन्नति भी रहेगी और जो पब्लिक डीलिंग है वो आपकी बहुत अच्छे से रहेगी। और समय की क्योंकि काफी कमी है, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है भीलवाड़ा से, मधुलिका, उनका सवाल ले लेते हैं। मधुलिका बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना प्रश्न कर सकती हैं आप पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी, मेरा नाम मधुलिका है जी। मेरा जन्म 2 जनवरी 1982 को हुआ है जी। जी मैं अपने घर में मतलब दुकान रखना चाहती हूँ, तो किस चीज की दुकान रखना? मधुलिखा जी, 2 जनवरी 1900 कोई कारोबार चूड़ी का या जो श्रृंगार के सामान्य महिलाओं का उनसे जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करती हैं तो उसमें आपको लाभ रहेगा। भगवान बुद्ध की, भगवान गणेश की पूजा अर्चना अपने व्यापारिक स्थल पे जरूर कीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक न्यूमरोलॉजी टिप जी। दर्शकों, न्यूमरोलॉजी टिप्स, हमेशा नए घर में जाएं तो पानी का कलश और जो झाड़ू रहता है वह सदैव नया खरीदे। अगर उस घर के अंदर, उस रूम के अंदर कोई पहले से है तो उसका प्रयोग उपयोग में न ले, हमेशा नया खरीदे, अन्यथा पुराना यूज करने से नुकसान भी हो सकता है, मान हानि या चरित्र की भी हानि हो सकती है। इसलिए पानी का कलश, मटका या जो भी खरीदे और झाड़ू सदैव नया खरीदे और महिला शक्ति को बोले कि पुराना अगर कोई है पहले से तो उसे घर के बाहर फेंक दे। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को अहम जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।